हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो इस टाइम 10:30 बज रहे हैं और इस टाइम धूप इतनी ज्यादा आने लगी है, बहुत ज्यादा धूप है। अभी 10:30 ही बजे हैं कि इतनी ज्यादा धूप है कि मेरे घर में इतनी ज्यादा धूप रहती है और ठंडी में धूप की जरूरत रहती है तो ठंडी में आती नहीं है, और गर्मी में धूप देखो कितनी ज्यादा धूप घर में आ जाती है, ये देखिए। तो इस धूप की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी भी लगती है, क्योंकि खुला घर है तो इसलिए धूल मिट्टी भी बहुत ज्यादा आती है और धूप भी बहुत ज्यादा रहती है। देखिए ये दाल, आज सारी दाल को मैंने धूप में डाल दिया है। ये अरहर की दाल है, ये चना की दाल है। तो दो तरह की अरहर की दाल है, वो छिलके वाली है अरहर की दाल, क्योंकि छिलके वाली जो अरहर की दाल रहती है उसमें सिर्फ छिलके रहते हैं लेकिन टेस्ट ज्यादा उसमें रहता है, तो इसलिए देखिए मैं छिलके वाली दाल उधर में फैला दी हूँ। और इधर ये मसूर, ये देखिए मसूर की दाल भी अच्छी लगती है तो इसलिए मसूर, ये देखिए मसूर भी डाल दी है, क्योंकि सारी दालें मंगाई हैं तो इनको सुखवा के ही रखेंगे, धूप लग जाएगी तो इसमें कीड़े नहीं लगेंगे, तो इसलिए सारी दालों को धूप में डाल दिया है। और इधर ये देखिए ऑरेगानो के पत्ते भी सुखवा रही हूँ, ये घर पे ही पेड़ है तो कल मैंने तोड़ के धुल के इस ये देखिए कपड़े पे डाल दिया है तो ये सूख जाएंगे। तो कितनी भी धूप हो लेकिन इधर आओ तो फिर बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि ये जो हरे भरे पेड़ हैं इनको देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए धूप रहती जरूर है लेकिन अच्छा लगता है इधर। और इधर ये देखिए यहाँ पर मैंने मूंग डाली है, तो ये मूंग है, इसमें कीड़े लग गए हैं, ये देखिए ये मूंग है, इसमें हल्के से गिम्स में एक आध कीड़े हैं तो इसलिए इसको भी डाल दिया है। तो इसको 2 दिन सुखवाना पड़ेगा, क्योंकि कीड़े इसमें अगर रह जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 2 दिन सुखवाएंगे इसको। तो सूख जाएगी तो इसकी आधे मूंग की दाल बनाएंगे और आधी को खड़ी ही रखेंगे। तो ये सारी दालों को अलग अलग फैला दिया है, क्योंकि सारी दालें अलग अलग हैं तो इसलिए अलग अलग ही सुखाना पड़ेगा। तो इनको जब सूख जाएंगे तभी भर के रखेंगे, तो सूख एक बार सुखवा लो तो इसमें कीड़े नहीं लगते हैं और ख़राब होने का चांस भी नहीं रहता है, तो इसलिए सुखवा लेती हूँ उसके बाद ही रखती हूँ। इतना सारा ये सब लेकर आए हैं तो इनको भी अभी सुखवाना है, तो इनको कल सुखवाएंगे, आज नहीं सुखवा पाएंगे क्योंकि छत पर कौन जाए, तो यहीं पर धूप आ जाती है तो छत पे जाने का एक आलस ही रहता है, तो यही सोचते हैं कि एक दिन के बजाय 2 दिन में ही यहाँ पर सुखवा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप आती है घर में और छत पे कौन जाए, इतना आलस है छत पे जाने का, क्योंकि छत पे जाने की का मन ही नहीं करता है, इतना ज़्यादा धूप रहती है और घर पर ही धूप आ जाती है तो इसलिए छत पे जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो इसलिए सोचा कि एक दिन के बजाय 2 दिन में सुखवा लेंगे। तो इस बैग में 2 तरीके के खड़े उड़द हैं, ये देखिए एक काले वाले हैं एक हरे वाले हैं, और ये धनिया है सूखी धनिया खड़ी, तो इनको हम कल सुखवाएंगे। अभी हमें बोतलें उतार लेती हूँ पहले, क्योंकि बोतलें को पहले से धुल के मैंने सुखवा के टाड़ पे बोरी में भर के रख दिया है, तो वही अभी सीढ़ी लगाई है तो सीढ़ी पर चढ़ के ही उतारेंगे, क्योंकि नीचे से ऐसे मिलते ही नहीं हैं तो सीढ़ी लगानी पड़ती है, और सीढ़ी लगा के मैं बोरी उतार लेती हूँ। तभी देखिए इस बोरी में मैं रखती हूँ, तो इसमें बोरी में भर के रख दो तो साफ़ सुथरी रहती हैं और गंदा नहीं होता है, कोई भी सामान बोरी के अंदर रख के टाँड पर रख दो तो फिर वो गंदी नहीं होती हैं। और चने हैं और मूंग है उड़द है जो खड़े रखते हैं बोतल में भर के रख दो तो इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, और एक बार सुखा के भर दो तो फिर सालों साल ऐसे ही रखे रहते हैं, एक बार मैं सुखा के भर देती हूँ तो फिर दोबारा इनको सुखाना नहीं पड़ता है, वैसे ये जैसे रखो वैसे कि वैसे ही इसमें रखे रहते हैं। तो इसमें जो भी चने हैं वो इसमें बहुत जितनी भी सारी बोतलें हैं सब बोतलों में भर के रख देती हूँ। और ये जो छोले वाली मटर आती है उसको डिब्बे में रखो तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, अगर बोतल में भर के रख दो तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, तो वही मैं बोतल में भर रही थी। तब यहाँ पर मैं छोटे वाले चने हैं देसी वाले, तो ये भिगो के ऐसे खाने से बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो वही मैं बोतल में भर देती हूँ, तो जितनी ज़रूरत होगी उतने निकाल लिए जाएंगे, बाकी इसी बोतल में रहेंगे,
और इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। तो इनको सुखाया नहीं है क्योंकि बहुत ही अच्छे से सूखे हुए हैं, तो इनको सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखिए इतनी सारी बोतलें मैंने भर ली हैं, तो जो डेली यूज वाली रहेंगी उनको नीचे बेंच पे रख लेंगे, क्योंकि बेंच रखी हुई है उसी में ज़रूरत वाली नीचे रख लेंगे, और जो डेली यूज नहीं है उनको ऊपर रख दिया है। तो अब यहाँ पर जो डिब्बे वगैरह थे इनको साफ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी इनमें दालें भरनी हैं, तो दाल भरने के लिए डिब्बे साफ कर लेंगे और अच्छे से धूप में सुखवा लेंगे, तो पानी वगैरह ना रह जाए, तो अच्छे से सूख जाएंगे तभी इसमें दाल भरेंगे। तो इधर मूंग मैंने चार पाइपें डाल दी है, तो यहाँ पर धूप ज़्यादा आ रही थी, तो ये देखिए यहाँ पर धूप, एक बार इसको चला देती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए। तो मैं अपने लिए और रोहित के लिए रुहाबजा का शरबत बना रही हूँ, और सौम्या को ये पसंद नहीं है, तो इसलिए सौम्या पिएगी नहीं, तो इसको पीना होगा, तो ये नींबू का बना लेगी अपने आप से। आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करिए। ये देखो कितने छोटे छोटे कार्टून बनाती है, ये देखिए इसके पेपर चल रहे हैं, लेकिन देखो क्या कर रही है, कार्टून बना रही है, ये देखो पेपर चल रहे हैं बना रही है, देखो क्या, ये देखिए तो आज की वीडियो बस यहीं तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।